लखनऊ में पीएफआई के दो सदस्य विस्फोटक सामान के साथ गिरफ्तार। बड़ी साजिश को अंजाम देने की थी तैयारी। जेपी नड्डा ने बुलाई यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीजेपी नेताओं की बैठक। अमित शाह और तोमर भी मौजूद देखने को मिले। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में हेल्थ वर्कर्स की सराहनीय भूमिका, बोले सीएम योगी। हापुड़ बरात की बस खाई में पलटी, चपेट में आकर दो की मौत, 14 लोग घायल बताए गए। जौनपुर में प्रधान की हत्या के बाद फूटा गुस्सा, पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जवानों ने भागकर बचाई अपनी जान। यूपी में माफियाओं पर पुलिस का कस्ता शिकंजा, गैंगस्टर संजय यादव के तीन और मकान हुए कुर्क। बहराइच में सीएम योगी बोले, पहली बार सुहेल देव के पराक्रम का किया जा रहा है स्मरण। राष्ट्रपति ने किरण बेदी को पांडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाया, तेलंगाना के राज्यपाल को सौंपा गया अतिरिक्त प्रभार। यूपी पीएफआई के दो सदस्य गिरफ्तार। लखनऊ को दहलाने की थी साजिश, निशाने पर थे हिंदू संगठन के प्रमुख नेता। 5 घंटे में खत्म कर दिया 5 दिन का टेस्ट मैच, इस गेंदबाज ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ रचा इतिहास।